हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022, जिसके बारे में आप लोग लगातार परेशान हैं, लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं, जबकि रेलवे ने अपनी नोटिस में सब कुछ मेंशन कर रखा है कब से क्या कराने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ नई बात वायरल हो रही है कि जुलाई से पहले ही शुरू हो जाएगा ग्रुप डी एग्ज़ाम। जी हाँ फ्रेंड, जुलाई से पहले ही शुरू हो जाएगा ग्रुप डी एग्ज़ाम। अभी तक लोग मार्च चिल्ला रहे थे, फिर अप्रैल चिल्लाएँ, ठीक है, और अप्रैल जी चिल्लाए रहे थे मैक्सिमम यूट्यूबर, सब तक रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस देकर के सबका मुंह बंद कर दिया। और मैं तब आपको बताया था फ्रेंड्स, जुलाई से पहले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जुलाई के बाद कितना भी लेट हो सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जुलाई से पहले 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिसको मेरे इस बात पर विश्वास नहीं है वो मेरे पुराने वीडियोज़ उठा करके देख ले। मैं कई वीडियो में लगातार बोला था चैलेंज करके कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो जुलाई से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रेलवे ने अपना जो नोटिस दिया था आई थिंक 12 मार्च को दिया था क्या, ठीक है, जो भी डेट हो वो, उस टाइम उसमें क्या लिखा था कि जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो जुलाई में हम कराने का प्रयास करेंगे और ईसीए के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम वो करा दे, क्योंकि ईसीए नई है, प्रोसेस नया है। तो उसमें ये भी मेंशन था कि ये सब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कराएँ और जुलाई से इसका मतलब हम करा सकते हैं। ये बात नोटिस में साफ साफ मेंशन था। लेकिन फिर से मार्च अप्रैल के बाद अब नया बवाल शुरू हो गया है। शायद कुछ कोचिंग माफिया के बुक्स वगैरह नहीं बिक पा रहे हैं, कोर्सेज वगैरह नहीं बिक पा रहे हैं, इसलिए फिर से नया डेट्स वायरल करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर नया डेट्स वायरल करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं दिखाता हूँ मेरे वीडियोज़ पर कुछ कमेंट्स आए हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूं। कोई मंजीत भाई देखिए क्या लिखा, जून लास्ट में ग्रुप डी स्टार्ट है, तैयारी करते रहो। इससे पहले भी किसी ने बोला था कि मई में एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कब स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, वो स्टार्ट है, जबकि अभी जुलाई तक की तो कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि हम प्रयास करेंगे उसमें केवल, ठीक है। और ये जून मई सब कुछ लोग बोलते जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कोई भी सरकारी काम होता है तो अपने डेट से लेट तो हो सकता है बट पहले नहीं हो सकता, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिस में खुद मेंशन कर रखा है कि हम जुलाई में कराने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द, जब वर्ड यूज़ किया गया उसके साथ, यानी कि जब जल्द से जल्द हम करा पाएँ तो जुलाई, यानी अगर जल्द से जल्द नहीं करा पाएँ तो जुलाई के बाद कब तक जाएगा कोई नहीं जानता है, अगस्त भी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। और मैं आपसे बोला ही कि अगर कोविड आ जाता है तो आप कम से कम नवंबर मान के चलिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था, फिर भी आप लोग कमेंट करके बारे में पूछ रहे कब से एग्ज़ाम हो सकता है, कब से एग्ज़ाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हर एक कंडीशन पर बात कर चुका हूँ कि अगर कोविड नहीं आता है तो आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने जुलाई मेंशन किया है और ऐसे केस पर मेंशन किया कि हम जैसे पॉसिबल होता है तैसे करा देंगे, जल्द से पॉसिबल होता है जल्द करा देंगे, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा लेट हो सकता है अगर कोविड नहीं आता है तो, ठीक है, यानी कि अगस्त। मैं बता चुका हूँ कई बार ये भी बात, अगर कोविड नहीं आता है तो अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, और अगर कोविड आ जाता है, बढ़ जाता है, जो बढ़ते ही जा रहा है डेली आप देख ही रहे हैं, तो मिनिमम आप नवंबर मान करके चल सकते हैं, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है मीडिया वगैरह में, साइंटिस्ट वगैरह बताया जा रहा है कि अगस्त में जो है कोविड पीक पर चला जाएगा और जून में जो है फोर्थ वेव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगस्त में पीक पे जाएगा, जून में स्टार्ट होगा, तो आप समझ सकते हैं डाउन होने में सितंबर अक्टूबर लग सकता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर जब डाउन होने लग सकता है, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर में स्टार्ट हो सकता है, उसकी भी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है कोई जानता नहीं है, उससे भी अधिक लेट हो सकता है, कोविड और लेट तक भी रह सकता है, ये आप जानते हैं। बस क्या है, कोविड का माहौल आप समझ सकते हैं कि जब जब इलेक्शन आ रहा है तब तब कोविड गायब हो जा रहा है, और जब जब इलेक्शन हट जा रहा है कोविड आ जा रहा है, यही सिचुएशन आपको पिछले 2-3 साल से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो चुका है इस वजह से एग्ज़ाम हो जाएगा। अरे भाई, अगर वैक्सीनेशन का इतना ही इफेक्ट है फिर से कोविड बढ़ क्यों रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बताओ साफ साफ, अगर वैक्सीनेशन की वजह से एग्ज़ाम हो सकता है तो वैक्सीनेशन की डोजेज हमेशा क्यों बढ़ाई जा रही है। जब स्टार्टिंग में वैक्सीन बना था तो बोला गया था कि वैक्सीन का एक डोज लेने से ही आपको कोविड होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये बात आप देखोगे, न्यूज़ देखे होंगे। एक डोज का नंबर की बात ही नहीं, एक दो नंबर बात ही नहीं, बस क्या क्या कहा गया था उस टाइम कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोविड नहीं होगा, ठीक है, वहाँ 1, 2, 3, 4 की बात ही नहीं थी। जब एक वैक्सीन लगे फिर क्या बोला गया, सेकेंड डोज लेने के बाद आपको कोविड नहीं होगा, फिर से कोविड होने के बाद क्या कहा गया कि 2 डोज लेने के बाद जो है मतलब कि आपका जो डेथ रेट कम हो जाएगा, यानी कि डेथ नहीं होगा और माइल्ड केसेस आएंगे। चलो 2 डोज भी लग गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद लोग बूस्टर डोज तक देने लगे, तीसरा डोज देने लगे, यानी डोज पर डोज बढ़ते जा रहा है और सिचुएशन जस के तस है। जिस बीमारी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है उसका वैक्सीन कैसे आ सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आप साइंस पढ़े हैं तो।
सबसे पहले तो बीमारी की जांच पड़ताल करनी जरूरी थी, बीमारी क्या है, कैसे फैल रही है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, और इसका मतलब इलाज क्या हो सकता है, ये सब पहले जानना जरूरी होता तब वैक्सीन पे कहीं बात आती है। आप जानते हैं कोई भी वैक्सीन बनने में लगभग 10 साल का समय लगता है, क्योंकि बीमारी आती है उसका जांच पड़ताल होता है, तत्काल दवा से उसे ठीक किया जाता है। और वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन जब एक बार लग गया तो बीमारी दोबारा कभी हो नहीं सकती है। लेकिन कोविड को लेकर के अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जिसे वैक्सीन लगा है उसे भी कोविड हो जा रहा है, जिसे नहीं लगा उसे भी कोविड हो जा रहा है। यानी वैक्सीनेशन महज एक मजाक है, जैसे एग्ज़ाम्स एक मजाक चल रहे हैं इस समय, ठीक है। जब जब एग्ज़ाम आ रहा है तब तक कोविड दिखा दिया जा रहा है, और जब जब इलेक्शन आ रहा है तब तक कोविड को गायब कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सब कुछ प्री प्लान है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे कोविड आए या फिर ना आए, अगस्त से पहले तो पॉसिबल नहीं है, और अगर कोविड आ जाता है तो फिर नवंबर से पहले पॉसिबल नहीं दिखता है, ठीक है। नवंबर के बाद कभी भी जा सकता है, नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, फिर अगले साल का जनवरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे हमेशा एक ही अपील करूँगा कि आप एग्ज़ाम डेट्स के पीछे ना पड़े, और ना ही केवल रेलवे वैकेंसी के पीछे पड़े, ना ही केवल आर्मी ग्रुप डी के पीछे पड़े। आप अदर एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करते रहें, अपने स्टेट का एग्ज़ाम्स देते रहें, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, बंगाल से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, असम से, कहीं से बिलोंग करते हो, आप अपने स्टेट की वैकेंसीज पर भी फोकस करते रहें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा निगेटिविटी मन में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप केवल रेलवे के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये रेलवे है, ये पंचवर्षीय योजना चलाता है, बिना 5 साल हुए कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है रेलवे की, ये बात आपको मालूम होगी। अभी 2018 वाली वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, 2022 आ चुका है, चाहे ग्रुप डी की बात कर ले, चाहे एएलपी टेक की बात कर ले, चाहे आरपीएफ की बात कर ले, कोई भी वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, अभी तक किसी वैकेंसी का फाइनल पैनल यानी कि बैलेंस पैनल नहीं आया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे कितना फास्ट काम करता है, कितना फास्ट काम नहीं करता है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपसे बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आप केवल एक वैकेंसी के पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो करते रहें, ठीक है, कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहें, कहीं से भी अपना इनकम बनाते रहें, ठीक है। केवल रेलवे के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि ये रेलवे है, रेलवे जो दिखाता है वो चीज़ करता नहीं है कभी, ठीक है। रेलवे डेट पर डेट दिए जा रहा है, ग्रुप डी का डेट कई कई बार आ चुका है लेकिन कभी भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, और अभी जो जुलाई बताया जा रहा है उसमें मैं बता ही रहा हूँ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, वो तो जुलाई नहीं हो पाएगा, अगस्त ही जाएगा अगर कुछ भी ना रहे निगेटिव मतलब साइन, तो भी मतलब कोविड ना रहे तो भी अगस्त मिनिमम दिख रहा है। लेकिन अगर कोविड आ जाता है तो फिर समझ सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर सब खत्म हो जाएगा, तब नवंबर दिसंबर भी जा सकता है एग्ज़ाम शुरू होते होते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल प्रिपरेशन करो, केवल प्रिपरेशन करो, और इसके साथ साथ अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है कहीं प्राइवेट जॉब करो, बच्चों को ट्यूशन दो, कुछ करो, ये करो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन केवल इसके भरोसे मत बैठो। अगर केवल इसके भरोसे बैठोगे फ्रेंड्स तो आप हर जगह से हाथ धो बैठोगे, ठीक है, फैमिली में भी आपकी इज्जत नहीं होगी, आपको लगेगा कि आप एकदम नल्ले हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों, तो ये आपकी वजह से, क्योंकि आप केवल एक वैकेंसी के पीछे पड़े हुए हो। आप केवल एक वैकेंसी के पीछे मत पड़ो, आप अदर वैकेंसीज पर भी फोकस करो, और साथ में कुछ प्राइवेट में काम करते रहो, कुछ पैसे कमाते रहो, ठीक है, 4,000, 5,000, 10,000 जितना भी हो सकता है एक महीने में कमाते रहो, ताकि आपका काम चलता रहे और ऐसा न लगे कि आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल नल्ले हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, और ये जुलाई से पहले जो बात फैल रही है बिल्कुल अफवाह है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होता है होगा, मतलब जो भी मैं रियल न्यूज़ तभी देता हूँ मिलता है, ऐसे फेक न्यूज़ मैं बाकियों की तरह नहीं फैलाता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।